पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर सबको चौंका दिया था कि ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। चुनाव से पहले तो नहीं, लेकिन ठीक 3 महीने बाद आखिरकार ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी कि जल्द ही केंद्र सरकार की एजेंसियां मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने वाली हैं। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर केजरीवाल का 4 साल पहले किया गया एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। क्या लिखा था केजरीवाल ने उस ट्वीट में और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद वो ट्वीट क्यों वायरल हो रहा है, बताते हैं आपको। दरअसल जिस मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है उसी मामले को लेकर केजरीवाल ने 10 जून साल 2018 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, सीबीआई सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कृपया नए केस शुरू करने से पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रहे केसों का भविष्य बताएं। इसके बाद केजरीवाल ने अमित शाह को चुनौती देते हुए लिखा, नए केस शुरू करने से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तो जेल भेज लो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि साल 2017 में ही सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और बाद में उसे ईडी को सौंप दिया, जिसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया था और अब इसी मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और बीजेपी के नेता केजरीवाल के इस ट्वीट पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार करने वाले भविष्यवाणी पर दिल्ली बीजेपी नेता बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, कौन कहता है अमित शाह जी विपक्ष की नहीं सुनते। तो वहीं जब केजरीवाल के बयान को लेकर हमने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से सवाल किया तो उन्होंने तंज कसते हुए जो कहा वो सुनिए। ये उनका मोडस ऑपरेंडी देख रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, पीसी किया था ना, बेचारे गए। मनीष सिसोदिया अब गिरफ्तार होंगे ये कह दिया, तो हो सकता है कहीं उनका खतरा मनीष सिसोदिया भी हो। और मेरा मानना है कि अगला नाम मुझे कहते हुए थोड़ी से अजीब सा लग रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगला नाम भगवंत मान का लेंगे और पंजाब में बहुत बड़ा महाभारत होगा इनकी पार्टी के। कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन पर ईडी के एक्शन ने राजधानी दिल्ली में सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, तो कई लोग इस एक्शन को आगामी चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। अब ये पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में है, जिसका फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके दावे में कितना दम था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।